सो हेलो एंड वेलकम टू क्लास 14 ऑफ योर कंपनी लॉ रिवीजन सीरीज। ये जो रिवीजन सीरीज है ये आपकी दिसंबर 24 एज वेल एज जून 25 के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब नाउ आज हम क्लास में क्या करने वाले हैं, आज हम क्लास में करेंगे चैप्टर मर्जर एंड अमेलगमेशन पार्ट टू आज है। जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो पहले देख रहे हैं मैं उन्हें रिकमेंड करूंगी कि आप पार्ट वन देख कर आओ ताकि आप लिंक कर सको अपने सारे सेक्शंस को। हमने पार्ट वन में 230 to 234 कंप्लीट किया था, आज हम 235 से इस क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सारी इंफॉर्मेशन मैं बीच में देती रहूंगी। हमारा ये दो क्लास मिलकर पूरा का पूरा मर्जर अमेलगमेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को एक तरीके से अवेयर करना चाहती हूँ और आप ध्यान दो इस चीज पर, ये जो चैप्टर है मर्जर अमेलगमेशन, ठीक है, ये एक फाउंडेशन है एग्जीक्यूटिव लेवल पर या फिर आप इंटरमीडिएट में, जहां भी आप ये चैप्टर अपने एक बिलो लेवल मतलब इंटरमीडिएट में या फिर एग्जीक्यूटिव लेवल में या सीएमए इंटरमीडिएट में जहां भी पढ़ रहे हो, ये फाउंडेशन की तरह आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया गया है। इसके बाद जब आप हायर लेवल प्रोफेशनल लेवल फाइनल लेवल में जाओगे तो उसमें पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा गया है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सीएस, क्योंकि सीएस में पूरा का पूरा कॉर्पोरेट फंडिंग इन न्यू सिलेबस एंड ओल्ड सिलेबस में आपका सीआरवीआई है, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वैल्यूएशन, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। बहुत बच्चों को लगता है कि यार इतना मर्जर अमेलगमेशन से दिमाग खराब हो जाता है। लेंथी जरूर है, थोड़ा टेक्निकल है, बट इंटरेस्टिंग बहुत है और डिपेंड करता है जो आपको पढ़ा रहा है। मैंने आपको चार्ट फॉर्म्स में इतने अच्छी तरीके से समझाया हुआ है कि आप सिर्फ ये मेरी क्लास देख लो, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत सारी चीजें ऐसी क्लियर हो जाएंगी कि आप आगे तक नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो पहली चीज आप पार्ट वन देख कर आओ इस क्लास के लिए, एंड पार्ट टू आज हम करेंगे अपना सेक्शन 235 to 240 और ये जो है आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा मर्जर एंड अमेलगमेशन। सो हम स्टार्ट करते हैं। नॉ सेक्शन 235, सेक्शन 235 क्या कहता है, क्या उसमें बातें हो रही हैं, उससे पहले आप ये समझो कि दो कंपनीज हैं आपके सामने और आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक कंपनी जो है ये थोड़ी सी बड़ी है बिग वन एंड ये है स्मॉल वन। अब क्या होता है ना, दूसरी जो बड़ी कंपनी है डर किसको लगेगा, बड़ी कंपनी को लगेगा छोटी कंपनी को लगेगा, छोटी कंपनी का कुछ नहीं है वो तो अपने पेस पे ग्रो हो रही है, बड़ी वाली को ये डर लगेगा कि कहीं इतनी बड़ी ना हो जाए कि मुझे बीट कर दे। तो इससे होगा क्या, अब ये वाली जो कंपनी है ये इसको ऑफर करेगी टू मर्ज, ये टेक ओवर कर रही है ना, ये ऑफर करेगी एमएनओ लिमिटेड को कि भाई आप मेरे साथ मर्ज हो जाओ। क्योंकि इसके मन में क्या है, हो सकता है एमएनओ लिमिटेड मार्केटिंग में बहुत स्ट्रांग हो जो कि ट्रांसफरी कंपनी नहीं है, इसको इसके बेनिफिट दिखाई देंगे, ठीक है। और स्मॉल कंपनी जो है एमएनओ लिमिटेड वो क्या सोचेगी कि यार मैं अपने पेस पे ग्रो हुई तो मुझे शायद टाइम लग सकता है, इट्स बेटर टू मर्ज विद वन सम बिगर कंपनी। तो ये टेक ओवर का सिचुएशन हो जाएगी कि जो ये इसको हम बड़ी मछली छोटी मछली करके कर सकते हैं कि ट्रांसफरी कंपनी जो एक बड़ी मछली है और वो छोटी मछली को खाना चाहती है और अपने आप में समा लेना चाहती है ताकि वो और बड़ी हो जाए। उसके में अंदर क्वालिटीज हैं, मार्केटिंग ट्रेड्स बहुत अच्छे हैं, मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं छोटी कंपनी की, और ये जो कंपटीशन वाला डर है कि कहीं बड़े होके मुझे ना खा जाए वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगी, अब ये ऑफर देगी एमएनओ लिमिटेड को, एक्स वाई जी लिमिटेड एमएनओ को ऑफर देगी टू मर्ज, ठीक है। अब किसके बारे में, किसके बीच में बात हो रही है, इसके बीओडी के बारे में बीच में और इसके बीओडी के बीच में बात हो रही है। बीओडी ने ट्रांसफर कंपनी के एक्स वाई जी लिमिटेड के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने ऑफर दिया टू मर्ज विद अस टू एमएनओ लिमिटेड, ठीक है, बीइंग ट्रांसफर कंपनी। अब ट्रांसफर कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ, अपने मेंबर्स क्रेडिटर्स के साथ मीटिंग करेगी कि ऐसा ऐसा है, तो उसके लिए कुछ टाइम होगा, उसका टाइम है 4 months। 4 months का टाइम दिया गया है कि जिस दिन आपको ट्रांसफरी कंपनी जो कि इस केस में एक्स वाई जी लिमिटेड है वहां से ऑफर आता है उसके 4 महीने के अंदर अंदर आपको फैसला लेना है
कि आप मर्ज हो रहे हो या मर्ज नहीं हो रहे हो। सबसे पहला फैसला जो लिया जाएगा वो कौन से लेवल पे लिया जाएगा, कौन से लेवल पे लिया जाएगा, कमेंट सेक्शन में बताना, हर क्लास में बता चुकी हूँ, कौन से लेवल पे लिया जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब फैसला लेंगे तो वो क्या पास करेंगे, बीआर इन बीएम। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो है वो है बीआर एट बीएम। जब वहां से बात पास हो जाएगी, आगे चलेगी, तो मेंबर्स की अप्रूवल लेनी है। अब मेंबर्स की जो अप्रूवल लेनी है तो उसका क्राइटेरिया है 90% ऑफ शेयर्स इन वैल्यू, ठीक है, अदर देन दोज हु हेल्ड बाय ट्रांसफरी कंपनी। अब इसका एग्जांपल सुनो, सपोज ये कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। अब मेरा अगर कोई शेयर होल्डर है मेरी कंपनी में जिसके शेयर्स हैं, वो जरूरी तो नहीं है कि और किसी कंपनी में ना हो, वो किसी और कंपनी के भी शेयर्स एक्वायर कर सकता है। तो अगर ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिनको, जिन्होंने इसके शेयर्स पहले से ले रखे हैं, तो हम उनको एक्सक्लूड कर देंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे 90% ऑफ वैल्यू, 90% ऑफ वैल्यू इन शेयर्स, ठीक है। ये अप्रूवल आपका पास होगा, और ये जरूर ध्यान रखना कि जो अप्रूवल की कंडीशन है वो 90% है। 90% से अगर जरा सा भी कम आता है अप्रूवल, तो आपका ये चैप्टर यहीं के यहीं क्लोज हो जाएगा, आगे बात ही नहीं बढ़ेगी। बट अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तो फिर क्या, जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है, अब उसमें से कुछ भी होंगे डिसेंटिंग होंगे, 90% तो अप्रूवल चलो आ गया, जो कि लॉ के हिसाब से मैंडेटरी है 90%, बट कुछ रह गए, कितने, 10%, 10% जो होंगे वो डिसेंटिंग शेयर हो जाएंगे, जो बिल्कुल हामी नहीं भर रहे कि हाँ ऐसा कुछ मर्जर टेक ओवर टेक प्लेस करे। तो जो 10% ये डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स नाच रहे होंगे यहाँ पे, इनको बोलोगे कि भैया आप अच्छे से निकल जाओ, आप जो भी है आप अपना पतली गली से निकल जाओ। अब क्या होगा, जिस दिन से ये 4 months एक्सपायर होंगे, ये जो एक्स वाई जी कंपनी है, ठीक है, ट्रांसफर ही कंपनी, ये क्या करेगी, ये CA4 में इन डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को बोलेगी आ जाओ शेयर दे दो, मैं खरीदने की कोशिश करेगी कि वो भी मेरे हो जाए, ठीक है। अब डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के पास दो रूट्स हैं, या तो वो पतली गली से निकल जाए, उनको कोई शेयर नहीं चाहिए, या फिर वो उनके कहने पर ट्रांसफरी कंपनी में चले जाए। तीसरा रास्ता क्या है, अगर ये बिल्कुल ही नहीं मानते तो NCLT का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो क्या कह रहा है, सबसे पहले जो बड़ी मछली है, ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनना और फिर आप जब अपने नोट्स में पढ़ोगे, क्योंकि ये डायग्रामेटिक फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, आपके पास ऑलरेडी सेक्शन बुक्स हैं, बेयर एक्ट है, जिससे भी आप पढ़ रहे हो मॉड्यूल है, उससे आपको फिर समझ में आएगी चीज। बड़ी मछली है, बड़ी मछली ने दूर से देखा छोटी मछली एक घूम रही है मार्केट में, ठीक है, और जिसकी स्किल्स बहुत अच्छी है, क्योंकि एनालाइज तो वो ऑब्वियसली करेगी ना। तो जो कंपनी है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो बोर्ड में बैठे हैं, उन्होंने देखा कि भाई हमारी से रिलेटेड एक कंपनी है जिसकी छोटे लेवल पर है, पर उसकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, और मार्केटिंग से ही तो इंसान बड़ा बनता है ना। तो अगर कोई भी ऐसा फीचर है जो वो सोचते हैं कि यार आगे आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि ये हमें बीट कर दे, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो ट्रांसफर री कंपनी होगी, बड़ी कंपनी, वो ऑफर भेजेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, ट्रांसफर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कि भैया आ जाओ हमें मर्ज हो जाओ, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड ट्रांसफर कंपनी के माइंड में क्या चलेगा कि यार हम अपने पेस पे अगर बड़े होते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा, इससे बेटर ये है कि हम बड़ी कंपनी के साथ मर्ज हो जाए और जो हमारी स्किल्स हैं वो फायदा उनका लें, ठीक है, वो फायदा लें उस चीज का, और जो उनके पास है उसका फायदा हम लें, तो ये विन विन सिचुएशन हो सकती है। अब ट्रांसफर कंपनी खुद तो बोर्ड डायरेक्टर्स उठ के चिल्लाएंगे नहीं कि अच्छा हम तो मर्ज हो रहे हैं और ऐलान कर देंगे मेंबर्स के बीच में, नहीं, मेंबर्स की अप्रूवल जरूरी है, और मेंबर्स की अप्रूवल कितनी है, 90% ऑफ शेयर्स इन वैल्यू, ठीक है, अदर देन दोज हु हैड ऑलरेडी शेयर्स ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी, हु होल्ड ऑलरेडी शेयर्स ऑफ ट्रांसफर री कंपनी, ठीक है, क्योंकि वो इंक्लूड करके क्या करेंगे, वो तो ये वाली बात हो गई ना कि हमारे पास तो पहले से ही, हम उनको क्योस नहीं करेंगे। अब ये डिसीजन लेने के लिए ट्रांसफर कंपनी के पास पूरे 4 महीने, कितने महीने, 4 महीने, जब वो शेयर
शेयर होल्डर्स अप्रूवल लेंगे। शेयर होल्डर्स अप्रूवल 4 महीने में आया, नहीं आया, अगर आ गया तो क्या होता है, तो 10% आपके डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, क्योंकि 90% तो है ही आपकी अप्रूवल है, 10% डिसेंटिंग है, टोटल 100% भी आपको क्या हो सकती है, अप्रूवल मिल सकती है। बट बहुत रेयर केस है, कोई ना कोई एक शेयर होल्डर या 4-5 शेयर होल्डर उछल के बोलते हैं भाई हम तो नहीं मान रहे। फूफा फूफा और मौसा वही होते हैं, ठीक है। अभी जो फूफा मौसा है, अब इनको 2 तरीके हैं, या तो भैया पतली गली से निकल जाओ, या फिर ट्रांसफर की कंपनी वो बोलेगी अरे मत जाओ ना हमारे पास आ जाओ, वो नहीं मान रहे कोई बात नहीं, हम आपका ख्याल रखेंगे, आप हमारे पास आ जाओ और कंसिडरेशन अच्छी देंगे, सब है, तो वो वहां शिफ्ट हो सकते हैं। डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स डायरेक्टली एक्वायर किए जा सकते हैं बाय ट्रांसफर की कंपनी। अब उसका प्रोसीजर क्या है, उसका प्रोसीजर है कि जो आपकी ट्रांसफर ही कंपनी होगी, 4 महीने इलेप्स हो गए, ट्रांसफर ही कंपनी को पता चल गया ट्रांसफर कंपनी में 10% डिसेंडिंग शोल्डर्स ऐसे हैं जो अग्री नहीं करते हैं, तो वो ट्रांसफर ही कंपनी क्या करेगी, ट्रांसफर ही कंपनी 4 महीने खत्म होने के बाद, 2 महीने उसके पास टाइम है, वो CAA 14 में डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को भेजेगी कि भाई जरा कर दो ना, आप ले लो ना हमको। डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स बहुत अकड़ूंगा भैया, बिल्कुल ठेठ फूफा है वो, उन्हें नहीं चाहिए भाई, उनका डिसीजन साफ सीधा है, हमें नहीं लेना आपके कंपनी के शेयर्स, तो वो एनसीएलटी के पास जा सकते हैं, रूट के एनसीएलटी के पास चले जाएंगे। अब ये तो हो गया केस अदरवाइज। अब डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स का जो नाम और निशान है वो हम अपनी फैमिली से ही हटा देंगे। तो जब इन्होंने सीएए भेजा, जब इन्होंने सीएए 14 भेजा यहाँ पे, ठीक है, उसके 1 मंथ के अंदर, विद इन 1 मंथ CH4 जो एक इंस्ट्रूमेंट है शेयर्स का, वो भेजा जाएगा टू ट्रांसफर कंपनी, और उससे बोला जाएगा कि आप एक पर्सन को अपॉइंट करो टू एग्जीक्यूट करे क्या, कि जो रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, उसमें से डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स का नाम हटा दो, ठीक है, एंड चेंज द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बाय नेम ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी, और जो नेम है कंपनी का वो चेंज कर दो, एंड पेड कंसिडरेशन टू ट्रांसफर कंपनी एंड कीप इट इन अ सेपरेट बैंक, क्योंकि ये छोटे छोटे जो शेयर होल्डर्स हैं, अब इनका मन बाद में भटका कि अरे यार अपने घर की तो है, मैं फूफा हूँ तो क्या हुआ, मैंने दिखा दिया अपना राव, अब चलो वापस चलते हैं, तो जो कंसिडरेशन देने वाली है ना कंपनी, कौन, ट्रांसफर ही कंपनी, वो एक सेपरेट बैंक में रख देगी, और ट्रांसफर कंपनी के जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स हैं अगर वो वापस आना चाहते हैं तो आगे जाकर वो पैसा उसमें यूज हो सकता है और कंसिडरेशन पे की जा सकती है, ठीक है। तो ये पूरा आपका प्रोसीजर है सेक्शन 235 का, जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, लाइक ठोक दो, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हो। यहाँ पर जो ये ट्रांसफर हो रहा है ये इंटर कॉर्पोरेट ट्रांसफर है, अब इसी का उल्टा है सेक्शन 236, उसमें क्या बोलता है देखो, सेक्शन 236 बोलता है नो इंटर कॉर्पोरेट ट्रांसफर, मतलब ये जो कंपनी है और जो दूसरी कंपनीज हैं उनमें कोई डायरेक्टली इंटर रिलेटेड ट्रांसफर नहीं हो रहा है शेयर्स का, बट ऐसा हुआ ये जो कंपनी है, से फॉर एग्जांपल इसका नाम रख देते हैं ए लिमिटेड, ये जो कंपनी है ये लिस्टेड है, हो सकता है ना भी लिस्टेड हो, मतलब दोनों सिनेरियोज हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलरली है नहीं कि लिस्टेड ही होनी चाहिए, बट ए लिमिटेड है वो बहुत सही कंपनी है, ठीक है, उसके शेयर स्टॉक मार्केट में भी हैं, नहीं भी हैं। अब 2-4 लोगों ने मिलकर, ठीक है, ये ए ए नहीं, चलो बी सी डी ई, या फिर बी ने अकेले कैसे भी करके थ्रू स्टॉक मार्केट और अदर शेयर होल्डर्स ये 90% जो है शेयर होल्डर्स बन गए, मेजोरिटी आ गई इनके पास। अब डायरेक्टली तो इन्होंने कंपनी से कोई डील नहीं करी, बट इधर उधर से स्टॉक मार्केट से शेयर्स उठा लिए, या जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं उनको बोला कि भैया शेयर्स दे दो, हमारे पास पैसा बहुत है, आप डबल ले लो प्राइस, कंसिडरेशन डबल ले लो, लेकिन हमें शेयर्स चाहिए क्योंकि मेजॉरिटी चाहिए, तो 90% मेजॉरिटी उन्होंने एक्वायर कर ली थ्रू दिस। ये जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पर डायरेक्टली इंटर कॉर्पोरेट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, थ्रू हो रहा है, या तो स्टॉक मार्केट से, या तो स्टॉक मार्केट से, या फिर आपका शेयर होल्डर से, ठीक है, नॉट थ्रू कंपनी। तो जो एक्वायर है जब वो होल्ड करेगा 90% ऑफ शेयर्स,
ऑफ ए बी लिमिटेड, इसका नाम हमने ए बी लिमिटेड रख दिया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिकम्स मेजोरिटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, इसकी ड्यूटी बनती है और ये मैंडेटरी है टू ऑफर, इस कंपनी को ऑफर करेगा, कैसे ही उसने 90% शेयर्स एक्वायर करे दूसरी कंपनी को वो ऑफर देगा, ठीक है, कि जो 10% आपके बचे हैं ना वो आ जाओ। ऑन द अदर हैंड, ये जो आपकी ट्रांसफरर कंपनी है इसके लिए ऑप्शनल की बात है कि वो उसको अप्रूव करे या ना करे, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ आपके डिसेंटिंग बच गए ना, जो 10% बच गए, 90% तो इसने अपने आप खुद एक्वायर कर ही लिए। अब दूसरी केस में क्या होता है, या तो ये लोग ये तो ऑफर करेंगे ही करेंगे, ठीक है, दूसरी तरफ ये भी हो सकता है, जैसे ही इस कंपनी को ट्रांसफर कंपनी जो ए लिमिटेड है उसको पता चलता है कि भाई मेरे तो 90% मेजोरिटी कहीं और चली गई है, हमारी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ 10% बचे हैं, तो ये खुद भी बोल सकता है ऑन इट्स ओन कि भैया 10% हमें भी ले लो अपने आंगन में, ठीक है। तो कंसिडरेशन अमाउंट यहाँ भी क्या किया जाएगा, सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा जाएगा बाय मेजोरिटी शेयर होल्डर्स फॉर 1 ईयर, ठीक है, यहाँ भी ये रखा जाएगा और सेपरेट कि भाई डिसेंटिंग शेयर होल्डर है आज नहीं कल आ जाएंगे, इस तरीके से इनकी चीजें यहाँ पे वो होती है। तो ये जो चीज थी ना पूरी की पूरी 236 में, ये 235 के ऑपोजिट थी, क्योंकि यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है, और हाँ सबसे जरूरी बात, यहाँ पे एनसीएलटी का भी अप्रूवल नहीं है, क्योंकि कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है, 90% हमने एक्वायर करे कोई भी कर सकता है, स्टॉक मार्केट में अगर कंपनी लिस्टेड भी नहीं है तो इधर उधर के शेयर होल्डर से आपने एक्वायर कर लिए, तो ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि लिस्टेड कंपनी में ही ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, कोई भी कंपनी, बस आपके 90, आपने अगर उस कंपनी के 90% शेयर्स एक्वायर कर लिए तो यू बिकम मेजोरिटी शेयर होल्डर एंड इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू गिव ऑफर टू दी अदर ट्रांसफर कंपनी कि भैया जो 10% है वो इधर आ जाओ। अब ट्रांसफर कंपनी की अपनी कॉल है कि वो उधर जाए या ना जाए, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि जब वो ये देखेगा अरे मेरे 90% शेयर्स तो इन लोगों ने एक्वायर कर लिए हैं, तो वो खुद ही ऑफर दे देंगे कि यार हम जो 10% बचे हैं हमें भी अपने अंदर ले लो, अपने घर में ले लो, ठीक है। नाउ ये वाला आपका हो चुका, तो 235 और 236 आपका कंप्लीट हो चुका। अब 237 क्या कहता है, तो जो 237 है वो है पावर ऑफ सीजी, दैट इज एमसीए, पावर डेलीगेटेड टू एमसीए टू ऑर्डर कंपनीज टू अमलगमेट एंड मेक न्यू कंपनी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी यहाँ बैठी है ऊपर छत पे बैठी है, ठीक है, उसको ये दो कंपनीज दिख रही हैं और वो ये सोच रही है कि इन पब्लिक इंटरेस्ट अगर हम इन दोनों कंपनीज को ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड को मर्ज कर देते हैं, अमेलगमेट कर देते हैं और एक न्यू कंपनी बना देते हैं ए बी लिमिटेड, तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर से देख रहा है, ठीक है, उसने क्या सोचा कि जो दो कंपनीज हैं इन दोनों को अगर हम मर्ज कर देते हैं तो पब्लिक के लिए बहुत अच्छा होगा, पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा होगा, पब्लिक इंटरेस्ट में कि सबका भला हो रहा है, हम एक न्यू कंपनी बना देते हैं ए बी लिमिटेड। तो यहाँ पर आप ये देखो कि दो ट्रांसफरर कंपनी है और दो ट्रांसफर कंपनी एक ट्रांसफरिंग कंपनी बना रही है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, तो सबसे पहले जो ये गवर्नमेंट है ये एक ड्राफ्ट बनाएगा, ड्राफ्ट ऑफ दिस स्कीम, ठीक है, मर्जर अमैलगमेशन की जो स्कीम है वो पूरा एक ड्राफ्ट बनाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में खुराफा चल रही है, और ये दोनों कंपनीज को भेजेगा, ठीक है, दोनों कंपनीज को भेजेगा कि भैया ऐसा ऐसा है अब आप देख लो और अग्री करते हो तो हम आगे की प्रोसीडिंग्स करें। ये बात यहाँ पे खत्म हो गई, कोई भी न्यू मेक कोई भी दो कंपनीज, ठीक है। अब ऑर्डर बाय सीजी जब ये आएगा तो इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी टू टेक केयर असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बोथ दी कंपनीज ए एंड बी, ठीक है, अगर पेंडिंग लिटिगेशन कोई चल रही है दोनों कंपनीज में तो, ठीक है, एग्जिस्टिंग राइट्स ऑफ क्रेडिटर्स। अब सबसे बड़ा डर जो होता है वो ये होता है कि जो दोनों कंपनीज हैं ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड बीइंग बोथ ट्रांसफरर कंपनी, दोनों के जो मेंबर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं और अदर स्टेक होल्डर्स हैं, उनका कोई भी राइट जो एग्जिस्टिंग राइट है दोनों कंपनीज में, दोनों का अपना अपना, वो हैम्पर नहीं होगा, वो हैम्पर नहीं होगा, वो सिर्फ ये बोल रहा है कि आप दोनों मिलकर मर्ज हो जाओ, जैसे आप हो आप वैसे ही रहोगे, आपके राइट्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, और अगर आता है तो हम उसको कॉम्पनसेट कर देंगे,
ठीक है। जैसे होता क्या है, आप इस चीज को ऐसा समझ लो कि कोई दादा है, दादाजी हैं हमारे घर में, ठीक है। उन्होंने देखा कि हमारा बच्चा और दूसरे पड़ोसी का बच्चा, अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो सबके लिए बहुत अच्छा होगा। और जो दो परिवार हैं, जैसे होता है ना इसको रिश्तेदारी में बदलना, हमारा रिश्ते को रिश्तेदारी में बदलना वाली बात, तो ऊपर से दादाजी देख रहे हैं, उन्होंने देखा कि दो लोगों की शादी करके बहुत अच्छा अच्छा हो सकता है। तो वो दोनों को बोलेंगे कि भाई देखो ऐसा है ऐसा है, और तू जैसी यहाँ है तू वैसे ही वहां रहेगी, तुझमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो तू देख ले, तो पहले ड्राफ्ट भेजा, ड्राफ्ट दोनों ने देखा, और ये दादाजी ने, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एमसीए ने ये श्योरिटी दी कि आप में, आपके राइट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, और आप जाकर एक नई कंपनी बन जाओ, एक रिश्ते में बंध जाओ। अगर आप नहीं, आपको सही लगता है तो आप अप्लाई कर सकते हो टू एनसीएलटी विद इन 30 डेज, जब वो ऑर्डर आया, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, सबसे पहले दो कंपनीज को अमेलगमेट करेगा, सीजी ड्राफ्ट भेजेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये बहुत अच्छी चीज है, और जो भी चीजें हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आप, हम समझते हैं आपकी भावनाओं को, तो हम आपको ये श्योरिटी दे रहे हैं कि जो आपके एग्जिस्टिंग राइट्स हैं आपकी रिस्पेक्टिव कंपनीज में, वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, और अगर डिस्टर्ब होते हैं, एंड इफ लेस राइट देन इट विल कॉम्पनसेट एंड विल नॉट सेटिस्फाई, ठीक है, विल कॉम्पनसेट, एंड इफ जो स्टिल वो अनसेटिस्फाइड है, वो कहते हैं कि नहीं हमें भरोसा नहीं है आपकी इस बात पे, तो वो एनसीएलटी के दरवाजा खटखटा सकता है विद इन 30 डेज, ठीक है। और ये जो दोनों को ड्राफ्ट भेजे जाएंगे, इसमें ऑब्वियसली ड्राफ्ट भेजा जाएगा टू हैव ऑब्जेक्शंस इफ एनी, समझ आ रहा है। ये है, इतनी सी बात है। अब कंसिडरेशन और कैसे नहीं होनी चाहिए, वो पूरा एक फुल फ्लेज्ड अलग कॉन्सेप्ट है, बट इसके लिए आपको इतना जो मेरा कॉन्सेप्ट है ना सेक्शन का, वो आपके दिमाग में, जहन में बैठ जाना चाहिए। आई होप ये समझ में आ गया हो, समझ में आ गया हो तो लाइक बटन प्रेस करना है, ठीक है। अब सेक्शन 238 जो है वो है इन रिलेशन टू सेक्शन 235। अब देखो पहले 235 पे दोबारा जाओ, आपको सब रिकॉलिंग हो जाएगी। यहां पर कुछ नहीं कहता सेक्शन 238 में, सिर्फ एक चीज जो 235 में भी वो कह सकता था उसने अलग कह दी है 238 में। जब आपने 90% शेयर होल्डर्स की वैल्यू के लिए, जो मतलब मेंबर्स अप्रूवल के लिए बेसिकली, जो आपने 4 महीने का टाइम दिया था और मेंबर्स को बोला था, सर्कुलर भेजा था, तो वो सर्कुलर जो है वो CA-15 में जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो नोटिस जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी कि ऐसे ऐसे बात चल रही है, और ये तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो जाएगी वो CA-15 में जाएगी, ठीक है। और CA-15 जो है आपका रजिस्टर्ड होगा विद ROC, बस यही लिखा है सेक्शन 238 में, और कुछ नहीं लिखा, ठीक है। अब सेक्शन 239 क्या कहता है, 238 में समझ में आ गया, ट्रांसफर ही कंपनी है, ट्रांसफर कंपनी है, इसने इसको ऑफर दिया, ठीक है, तू भैया मर्ज हो जा, ये बड़ी मछली है ना, ये स्मॉल है, इसने मर्ज करने के लिए दिया, इसका 4 महीने का टाइम था शेयर होल्डर्स का, तो जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो CA-15 में जाएगी और बाद में रजिस्टर्ड हो जाएगी विद ROC, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। अब है सेक्शन 239, वो है प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स एंड पेपर्स ऑफ अमैलगमेटेड कंपनीज। ये ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है, ये दोनों अमैलगमेट हो गए, ए बी लिमिटेड बन गई, लेकिन उससे पहले इनके खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे, फाइनेंशियल्स थे, इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे, फाइनेंशियल्स थे। तो लॉ बोलता है कि एज पर सेक्शन 239 आप इन दोनों को प्रिजर्व करके रखोगे, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन जब तक आपको नहीं मिलेगी तब तक आप इनको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। ट्रांसफरर कंपनी, ये दोनों ट्रांसफरर कंपनी हो गई ना, ये बन गई अपनी अमेलगमेटेड कंपनी, ठीक है। सो ट्रांसफरर कंपनी कैन नॉट डिस्पोज इट्स बुक्स एंड पेपर्स अनलेस टेक प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी। सीजी की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बिना आप नहीं कर सकते, क्योंकि होता क्या है ना, हो सकता है दोनों ही फ्रॉड कंपनीज हो, ए और बी लिमिटेड, दोनों ने खूब फ्रॉड मचाया हो, एक ही बंदे की हो, और फिर सोचा है कि नहीं यार ऐसा करते हैं ना, लॉ ने तो बोला एक नई कंपनी बना देते, तो सारे के सारे अपने डिस्कार्ड करो, नए पेपर्स बनाओ, नए तरीके से काम करेंगे, तो उसमें बोला कि तुम्हारा जो काला चिट्ठा है ना पीछे, वो भी हमें देखना है,
ठीक है, तो सीजी की अप्रूवल ही लेनी पड़ेगी, उससे पहले आपका नहीं हो सकता। और सीजी बिफोर ग्रांटिंग सच अप्रूवल, ऐसा नहीं है कि एकदम ग्रांट कर देगा अप्रूवल, वो एक बंदे को भेजेगा और देखेगा कि दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स और पेपर सब कुछ चेक करके आओ कि इन्होंने कोई धांधलेबाजी तो नहीं करी है। अगर उसको लगेगा कि धांधलेबाजी नहीं करी है, सब गुड है, तो वो डिस्कार्ड करने के लिए उसको बोल देगा। ठीक है, अब लाइबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड प्रायर टू दिस, तो वो भी सेम है, सेम कॉन्टिन्यू रहेगा। जो भी रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस अगर किसी ने किए हैं ऑफिसर्स, ठीक है, ए बी लिमिटेड में, मैंने जैसे बोला कि ए बी लिमिटेड में जो ऑफिसर्स हैं बदमाश हैं, उन्होंने ऑफेंस कर रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने नई कंपनी बना ली तो आपके और आपकी कंपनी के पाप धुल जाएंगे, सब कुछ है, सब लायबल रहेगा। तो इसलिए ही प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स बोला गया है, और 240 में लायबिलिटी ऑफ ऑफिसर जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड प्रायर टू मर्जर एमलगमेशन रिमेन सेम। ठीक है, और उसका जो भी भुगतान होगा वो करा जाएगा एज पर लॉ। तो ये पूरा था आपका सेक्शन 240 तक। ठीक है, अब एक फटाफट जल्दी से मैं रिकॉल करवा देती हूँ कि ऑल टुगेदर इसमें हमने करा क्या है। ठीक है, ये मैंने आपको टेबल बनवाया था ऊपर, एक मिनट, सेक्शंस का टेबल बनवाया था मैंने। सेक्शन 230 में क्या बोलता है वो, सेक्शन 230 क्या बोलता है, सेक्शन 230 बात करता है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज मतलब डेटर्स क्रेडिटर्स जो लोग हैं, आप लोग अपने आप में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, और कुछ बेटर अगर आपको होता हुआ दिख रहा है और जो वाइंडिंग अप प्रोसेस आपका बचा सकता है, तो आप अपने अमाउंट में या जो भी आपकी वो बनता है राइट, उसमें आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, उसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज। अरेंजमेंट क्या होता है, शेयर कैपिटल का अरेंजमेंट इन वे ऑफ कंसोलिडेशन और डिविजन ऑफ शेयर्स, जो कि होगा ही होगा, चाहे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो, चाहे मर्जर एमलगमेशन हो, चाहे टेक ओवर हो, हर चीज में अरेंजमेंट तो आपका आना ही आना है, क्योंकि आपकी जो शेयर कैपिटल है वो रिस्ट्रक्चर होनी ही होनी है। ठीक है, 231 में सारा का सारा प्रोसेस गिवन है, सॉरी 230 में आपका पूरा प्रोसेस गिवन है कि आपका मर्जर एमलगमेशन के लिए आपको कैसे एप्लीकेशन देनी है, क्या क्या अप्रूवल्स देने हैं, कैसे मीटिंग कंडक्ट करनी है, सब चीजें इसमें गिवन है। 231 में बोलता है पावर जो है ट्रिब्यूनल की, एनसीएलटी की, टू एनफोर्स कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट को ओवरसी करेगा, मतलब सुपरवाइज करेगा, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो देखेगा, अगर बीच में कहीं गाइडेंस देने की जरूरत है तो वहां पे गाइडेंस देगा। 232 बोलता है मर्जर एमलगमेशन ऑफ कंपनीज, मर्जर एंड एमलगमेशन ऑफ कंपनीज, उसका प्रोसेस तो वही रहेगा सेक्शन 230, बट आपकी असेट लाइबिलिटीज किस तरीके से प्रोसेस होंगी वो बता रहा है। 233 में आपका है फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक ऑफ सर्टेन कंपनीज, और सर्टेन कंपनीज बोले तो स्मॉल कंपनीज या होल्डिंग सब्सिडरी अगर अपने आप में मर्ज हो रही है तो उसका एक फास्ट ट्रैक रूट है, इसमें आपकी एनसीएलटी की अप्रूवल नहीं है। ये मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके भी समझाया था, हर एक सेक्शन में मैंने आपको बहुत यू नो लाइफ एग्जाम्पल्स दिए हैं, रिलेटिव एग्जाम्पल्स दिए हैं, ताकि आपके जहन में बैठ जाए चीजें। 234 में आपका है फॉरेन कंपनीज के साथ अगर आप मर्जर कर रहे हो, तो अगर आपकी इंडियन कंपनी मर्ज हो रही है दूसरे में, खत्म हो रही है, ठीक है, तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको देखनी है, और अगर आप फॉरेन कंपनी को अपनी कंपनी में मर्ज कर रहे हो तो बल्ले बल्ले है, आपको सिंपल अप्रूवल्स चाहिए आरबीआई फेमा वगैरह के। ठीक है, 235 हमने 35 और 240 से तो हमने आज ही पढ़ा है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा मर्जर एंड एमलगमेशन, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आया, कोई डाउट है, तो आप दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हो, बिकॉज मैंने बेस्ट एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया है। और कल की क्लास में हम करने वाले हैं अपना एनुअल जनरल मीटिंग। ओके, सो कल मिलते हैं, बाय बाय। वो है पोमोडोरो टेक्निक, ये आपने सुनी होगी, हर बच्चे ने सुनी होगी, बट आप में से कितने उसको अप्लाई करते हैं, आई नो नहीं अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करते हैं तो गलत तरीके से अप्लाई करते हैं। आप लोग 30 मिनट अगर पढ़ रहे हो तो आप ब्रेक 15 मिनट का ले रहे हो, वो सही टेक्निक नहीं है। आपको क्या करना है, आपको अपना पढ़ाई का जो स्ट्रेच है, जो मिनट्स हैं, वो आपको 45 मिनट्स रखने हैं फर्स्ट इंस्टेंस में। देखो अभी जो टाइम है बहुत क्रूशल है, आपको एक दिन में 8 से 10 घंटे देने ही देने हैं,
तभी सिलेबस भी ढंग से रिवाइज हो पाएगा और रिकॉल कर पाओगे मेन एग्जाम में। आपको करना क्या है, आपको 8 से 10 घंटे देने हैं। अब इसमें एक साथ पढ़ोगे बहुत हैक्टिक हो जाएगा, तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, ये जो टेक्निक है इसका सही तरीका क्या है, आप पहले 45 मिनट्स पढ़ो, ठीक है, 45 मिनट्स पढ़ो और 5 मिनट्स का ब्रेक लो। और प्लीज़ मेक श्योर कि उस 5 मिनट्स में आप रील स्क्रॉल ना करो। अगर रील स्क्रॉल करोगे तो आपके 5 मिनट का ब्रेक कब 50 मिनट का हो जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। सही टेक्निक क्या है और ब्रेक किस तरीके से लेना है, आँख बंद करके रिलैक्स करना है या फिर वॉक करनी है कमरे में, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। वॉक करोगे, आँख बंद करके ऐसे लीन डाउन होगे या फिर पानी पियोगे, ये 5 मिनट्स के ब्रेक में आपको करना है, फिर कंटिन्यू करना है, फिर 45 मिनट्स पढ़ना है, ठीक है। ये टेक्निक जो है 45 मिनट्स एट अ स्ट्रेच जो आपको पढ़ना है वो आपको 3 दिन तक करना है। उसके बाद आपको ये टाइम इंक्रीज़ करना है एंड टाइम पढ़ने का इंक्रीज करना है, ब्रेक का नहीं, ब्रेक का वही 5 मिनट्स रहेगा, बट 45 मिनट्स से आपको क्या करना है 60 मिनट्स करना है और फिर उसके बाद आपको 90 मिनट्स करना है, ठीक है। इस तरीके से टेक्निक अगर सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तभी इसका फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा।